नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जिम कुशवाहा। चलिए आज देख लेते हैं कि आपने यदि ITR भरा हुआ है तो आपका अभी तक प्रोसेस्ड क्यों नहीं हुआ। तो पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लीजिए, पैन नंबर और जो आपका सीक्रेट पासवर्ड हो। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, फिलिंग अप दी इनकम टैक्स रिटर्न या व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स। जो आपने फॉर्म भरा हुआ हो उसको यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए ऑप्शन को, इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद में सबमिट करवाइए। सबमिट करवाने के बाद में जितने आपने इनकम टैक्स फॉर्म अभी तक फिल किए सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक आपने आपके स्टेटस में जो था ITR प्रोसेस्ड यदि नहीं लिख के आ रहा है, केवल ई वेरीफाइड लिख के आ रहा है। ई वेरीफाइड होने के कई सारे ऑप्शन एट ए टाइम जब आपने ITR भरा था वहाँ पर था, एक आधार कार्ड से ई वेरीफाइड करने का ऑप्शन था तो आपने करवा दिया। यदि यहाँ वहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाइड लिख के आ रहा है इसका मतलब अभी तक आपका ITR फॉर्म प्रोसेस्ड नहीं किया गया है। हो सकता हो और टाइम लग जाए, उसके बाद में जब आपका प्रोसेस्ड हो जाएगा तो इस तरीके से पूरा पेज यहाँ पर खुलकर आएगा। अगर इस तरीके से पेज खुलकर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका ITR पूरा कंप्लीट ITR डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स के कर्मचारियों ने प्रोसेस्ड कर दिया है। उसके बाद में आप यहां से फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा फॉर्म यहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। चलिए वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्नॉलेजमेंट या फॉर्म दोनों को यहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हमने इस फॉर्म को भरा हुआ है 28/7/2019 को, उसके बाद में 30/7/2019 को ई वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया है। हमने इसको आधार कार्ड से OTP के जरिए ई वेरीफाइड कर लिया और ये एक्सेप्ट भी हो गया है। इसके बाद में लगभग देखिएगा एक महीने बाद या 3/9/2019 मतलब इसके बाद में देखिएगा डेट आप SMS हमारे मोबाइल पर SMS आज प्राप्त हो चुका है, डेट आप ईमेल पर भी SMS जा चुका, ईमेल ID यहां पर जो आपकी होगी वो यहां पर शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि ITR का एक्नॉलेजमेंट या TDS रिटर्न कैसे हो। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।